तहसील पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले नुरानी मस्जिद संभाग मोमिनपुरा से एक गोवंश तस्करी का मामला सामने आया है, जहां निहित आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गौहत्या और इसकी तस्करी पर महाराष्ट्र में पाबंदी है और इसके खिलाफ कानून होने के बावजूद शहर में बड़े पैमाने पर गौ तस्करी का धंधा फल फूल रहा है। इसके अलावा कई कत्ल खाने शहर के विभिन्न इलाकों में है। इसी श्रृंखला में दिनांक 25 जुलाई की सुबह तहसील पुलिस की टीम ने एक गोवंश तस्करी का मामला उजागर किया है। दरअसल दिनांक 24 जुलाई की रात पीएसआई किलेदार अपने साथियों के समेत कर्तव्य पर थे और इसी बीच उन्हें गुप्त सूचना के आधार पर पता चला कि मोमिनपुरा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नुरानी मस्जिद के समीप 11 गोवंश जाति के बछड़े बंधे हुए थे, जिन्हें तस्करी के लिए रखा गया है। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी 33 वर्षीय शकील जुम्मा कुरेशी को रंगे हाथ पकड़ा है और साथ ही घटनास्थल से 7 लाल रंग के बछड़े तो वही 4 सफेद रंग के बछड़े और कुल मिलाकर ऐसे 11 गोवंश जाति के जानवर आरोपी के चंगुल से छुड़ाए गए हैं। साथ ही जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संदीप बुआ ने बताया है कि इस मामले में आगे भी निहित आरोपियों की मिलने की संभावना है, जिस दिशा में पुलिस कार्रवाई करी है। दिनांक 24 जुलाई रोजी नाइट ऑफिसर पीएसआई किल्लेदार हे कर्तव्यावर असताना 25 सकाळी 25 जुलैला त्यांना त्यांच्या बातमीदाराकडून माहिती मिळाली की मोमिनपुरा येथे नुरानी ग्राउंडजवळ नुरानी मस्जिदीजवळ गोवंश जनावरे जे आहेत ते कत्तलीसाठी आणलेली आहेत। त्या बातमीच्या आधारे सापळा रचून पीएसआई किल्लेदार व तसेच तपास पथकाचे अधिकारी अंमलदार यांनी नुरानी मस्जिद येथे जाऊन छापा टाकला असता सदर ठिकाणी एमएससीबीच्या पोलला एकूण 7 लाल रंगाचे गोरे व 4 पांढऱ्या रंगाचे गोरे असे एकूण 11 गोवंश जनावरे मिळून आले। त्यांची किंमत 55,000 रुपये। सदरची जनावरे ही आरोपी शकील जुम्मा कुरेशी वय 33 वर्ष राहणार डोबीनगर नवाब मस्जिदजवळ यांनी गोवंश तस्करीसाठी आणलेली असल्याचे निष्पन्न झालं। सदर प्रकरणात पीएसआय किल्लेदार यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून तहसील पोलीस स्टेशन येथे CR नंबर 427/24 याप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। गुन्ह्यात तपासकांनी आरोपी शकील जुम्मा कुरेशी याला काल अटक करण्यात आलेली आहे। आज त्याला माननीय न्यायालयात हजर करून त्याचा PCR मंजूर करून घेऊन गुन्ह्याचा पुढील तपास करत आहे। सदर गुन्ह्याच्या तपासामध्ये आणखीन आरोपी निष्पन्न होण्याची शक्यता आहे, त्या अनुषंगाने गुन्ह्याचा तपास चालू आहे। प्रथमदर्शनी सकृत ह्याच्यामध्ये 8 आरोपीचं यापूर्वीचं काही रेकॉर्ड प्राप्त नाही आहे, परंतु आम्ही MOB मार्फत त्याच्या बाबतीत तपास करत आहोत। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टिमरे की रिपोर्ट। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।